बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। हम चैप्टर टू कर रहे थे, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और आज हमने इसके रिव्यू एक्सरसाइज के चंद क्वेश्चंस हैं जो लास्ट लेक्चर की तरह हैं उनसे मिलते जुलते हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 और 7 रिव्यू का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका होमवर्क था, उम्मीद करता हूँ वो आपने कर लिया होगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये स्टूडेंट की मैंने सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन सबसे पहले स्टेटमेंट आदमी लिख लिया करें एस टाइप का क्वेश्चन हो तो। सबसे पहले हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, अगर ए का एंथ रूट हो तो उसे एक पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/n लिख लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास थर्ड रूट है, क्यूब रूट भी कहते हैं इसे, तो वो पावर क्या बन जाएगी 1/3। यहाँ पे पावर 1/3, यहाँ पे पावर 1/3। फिलहाल अंदर हमने इसे कुछ नहीं करना, जस्ट एक प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है ये वाली। ओके, जब ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी हमारे पास वो आ गया उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमने ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसे सॉल्व करना है। क्या बन जाएगा, ए पावर एल ओवर एन, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, ए रेस्ट पावर एम ओवर ए रेस्ट पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम माइनस एन। तो दोनों पावर्स को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं अगर दो सेम बेसिस डिवाइड हो रही हो तो। यहाँ ए है दोनों तरफ सेम बेस है, डिवाइड हो रही है, तो एक्सपोनेंट्स जो एल और एम है क्या हो जाएगी आपस में माइनस, यहाँ एम माइनस एन बन जाएगा, यहाँ एन माइनस एल बन जाएगा। ओके, एक्सपोनेंट डबल एक्सपोनेंट्स आ गए हैं। ठीक है, बाहर वाला सेम रहेगा, उसे हमने फिलहाल कोई चेंजेस नहीं करने। नेक्स्ट देखिए, डबल पावर है हमारे पास, एल माइनस एम भी है और 1/3 है, तो ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी डबल पावर वाली। अगर एक ही पावर एम और होल पावर एन हो तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है, एल माइनस एम को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 1/3 इंटू एल माइनस एम मल्टीप्लाई करेंगे तो एल वन जर एल ओवर 3 माइनस एम वन जर एम ओवर 3। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया एल बाई 3 माइनस एम बाई 3, ये एम बाई 3 माइनस एन बाई 3 और सिमिलरली एन बाई 3 माइनस एल बाई 3, प्रॉपर्टी ये यूज़ हुई है तीनों में। उसके बाद देखिए, फिर सेम बेस है और आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, स्टेप बाई स्टेप सारा करना है। ठीक है, सारा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। देखिए, तीन बेसिस हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम बेसिस हैं, तो जब दो सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास पावर्स हैं डबल, ये तो ये तीनों क्या हो जाएंगे प्लस, ये एक थी एक और ये दूसरी और ये तीसरी, तीनों को क्या हमने क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। ठीक है, प्लस के बाद आप देखें तो सारे आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स मौजूद हैं, माइनस एम बाई 3 प्लस एम बाई 3 कैंसिल, माइनस एम बाई 3 प्लस एम बाई 3 कैंसिल, ये प्लस के एल बाई 3 और ये माइनस एल बाई 3 क्या हो गए सारे कैंसिल, तो पावर कितनी बची हमारे पास, जीरो। और हमें ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी भी बेस नॉन जीरो नंबर की पावर जीरो क्या होती है, 1 होती है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार सारा देख लें, इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर इंशाल्लाह 5 करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 ये है हमारे पास, सॉल्यूशन में सबसे पहले एक बार स्टेटमेंट, उसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे डिवीजन वाली, के दो सेम बेसिस डिवाइड हो रही है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। ये प्रॉपर्टी हमारे पास, दो सेम बेसिस डिवाइड हो रही है, पावर हमने क्या कर दी है, माइनस। यहाँ पी और क्यू है तो क्या बन जाएगा, पी माइनस क्यू, बाहर वाली पावर सेम रहेगी। ओके, यहाँ भी ऊपर क्यू नीचे आर दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो क्या बन जाएगा, क्यू माइनस आर। यहाँ देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ इनफैक्ट हमने दो प्रॉपर्टी यूज़ की है, ए की पावर पी मल्टीप्लाई बाई ए पावर आर, ये क्या बन गया, ए पावर पी प्लस आर। तो सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ कौन सी यूज़ हुई है, दोनों में से इकट्ठे लिख रहे हैं यहाँ पे, वो बनता है हमारे पास ए की पावर एम मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। ठीक है, तो यहाँ ये प्रॉपर्टी यूज हुई है और इन दोनों में ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है, दोनों आप इकट्ठे लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में तो डबल पावर आ गई है, यहाँ भी डबल पावर है, यहाँ भी डबल पावर है, यहाँ भी डबल पावर है, तो डबल पावर देखें, जब दो सेम पावर सेम एक बेस की डबल पावर आ जाए दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, बशर्त यह कि ब्रैकेट लाजमी लगी हुई हो। ओके, तो इस वक्त में क्या बनेगा हमारे पास, p माइनस क्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है p प्लस क्यू से। ये हमारे पास फार्मूला है x माइनस वाई, लास्ट क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था x प्लस वाई, क्या होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, जब दो सेम वैल्यूज हों आपस में मल्टीप्लाई हो, जस्ट प्लस और माइनस का फर्क हो तो दोनों के अलग अलग स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ भी यही है, p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, इसके बाद इसे डिवीजन फॉर्म में लिखना, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो नीचे भी है इसे डिनोमिनेटर में,
एड्रेस भी कर सकते हैं कि इसे ये 5 डिवाइड में रहे और इन ये दो पावर क्या हो जाएंगे आपस में प्लस होंगी, क्योंकि ये बेस और ये बेस आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये दो पावर जो है ये क्या होंगी प्लस, ये दो पावर्स क्या होंगी आपस में प्लस होंगी, क्योंकि यहाँ बेस क्या हो रही है मल्टीप्लाई और यहाँ पे बेस हो रही है डिवाइड, तो ये जो पावर है ये क्या होगी इसमें से माइनस होगी। डायरेक्ट कर लें तभी ठीक है, इसे फिलहाल डिवीजन फॉर्म में लिख लें। ठीक है, इस फॉर्म में ये बनेगा सर। ठीक है, डिवीजन फॉर्म में लें तो वो नीचे आ जाएगा, ऊपर वाले को फिलहाल सिंपली प्लस कर लें ताकि इकट्ठा ना हो, स्टेप बाई स्टेप कर लेते हैं। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और ये इस प्लस मल्टीप्लाई की वजह से पावर क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, क्या बन जाएगा 7 क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कट जाएगा और ये सारा हिस्सा उसके डिनोमीटर में आ जाएगा 5 ए की पावर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पावर क्यू कट गया, क्या बच गया पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए की पावर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और नीचे क्या है हमारे पास 5 ए की पावर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, समय तो हम वैसे भी इसे सिंपली काट सकते हैं लेकिन हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं एक्सपोनेंट्स की। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसे ऊपर ले जाएंगे भाई लॉ यूज़ करते हुए, कौन सा लॉ ये वाला कि अगर दो सेम इसे डिवाइड हो तो उनकी पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो ये जो नीचे वाले हैं ऊपर आके हो जाएंगे माइनस। यहाँ भी एक स्टेप ये बनता है हमारे पास, ऊपर है हमारे पास पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसमें से हमें माइनस करना है क्या चीज़ पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये माइनस के अंतर क्या हो जाएंगे साइन चेंज हो जाएंगे, ये जो प्लस का पी स्क्वायर है ये माइनस पी स्क्वायर बन जाएगा और ये जो माइनस आर स्क्वायर ये क्या बन जाएगा प्लस आर स्क्वायर, तो प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आपस में कट जाएगा। मैंने ये स्टेप ब्रैकेट लिखा हुआ था, ये माइनस और ब्रैकेट वाला स्टेप इंक्लूड नहीं किया, तो क्या बन जाएगा नीचे वाला प्लस ऊपर आके माइनस और जो नीचे वाला माइनस था ऊपर आके प्लस हो गया। अब यहाँ पे माइनस यहाँ सॉरी स्क्वायर में लगा हुआ पी स्क्वायर आपस में कट गए माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आपस में कट गया, तो ए की पावर ऊपर कितने बचे 0, डिनोमीटर में क्या है 5। अब किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, तो 1/5 हमारा इसका फाइनल आंसर है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछने गया है कि हमें कैसे पता कि ए नॉन जीरो है, सोचा जरा इसका क्वेश्चन की स्टेटमेंट के साथ लिखा हुआ था व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके जिम्मे था मेरे को तो पहले कर लिया होगा, अपना मजीद समझ आ गई है तो वो क्वेश्चन आपने खुद ही करना है, इन दो क्वेश्चन को होमवर्क आपके जिम्मे है। नेक्स्ट इंशाल्लाह 2.4 के जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं वो करेंगे। अल्लाह हाफिज़।